हनुमान जी को कभी रोते नहीं देखा, लेकिन दोस्तों एक ऐसा समय भी आया जहां श्री राम के परम भक्त हनुमान जी फूट फूट कर रोए। ये बात है उस समय की जब प्रभु श्री राम को धरती छोड़कर देवलोक वापस जाना था। अब भगवान श्री राम का जाने का समय आ चुका था, लेकिन हनुमान के होते हुए कालदेव श्री राम को अपने साथ कभी नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि कालदेव हनुमान जी से डरते थे। अब इस बात का मालूम श्री राम को भी था, तो श्री राम हनुमान जी को खुद से दूर करने के लिए एक योजना बनाते हैं। अपनी अंगूठी को महल की दरार में डाल देते हैं और दुखी होकर बैठ जाते हैं। तब हनुमान जी को इस बात के बारे में पता चलता है कि अंगूठी खोने पर श्री राम दुखी हैं। वो छोटा रूप करके उस दरार में चले जाते हैं, और दरार में जाने के बाद हनुमान जी को पता चलता है ये कोई दरार नहीं, ये एक सुरंग है जो कि नागलोक तक पहुंचती है। अब हनुमान जी नागलोक में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद क्या करते हैं, वहां पर आसपास अंगूठी ढूंढ रहे होते हैं, और तभी उनकी मुलाकात होती है नागलोक के राजा वासुकी से। तो हनुमान जी वासुकी से बोलते हैं, मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी यहाँ पर गिरी है, कृपया करके आप वो जगह मुझे बता दीजिए। वासुकी हनुमान जी को अपने साथ नागलोक के बीच में ले जाते हैं, और वहां जाकर हनुमान जी का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वहां पर बीचों बीच में एक बहुत बड़ा अंगूठियों का ढेर लगा होता है। लेकिन फिर भी हनुमान जी उस ढेर के पास जाकर एक अंगूठी उठाते हैं और उठाकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो अंगूठी उनके श्री राम की थी। तभी उनकी नज़र नीचे पड़ी हुई अंगूठियों पर पड़ती है, और वो चौंक जाते हैं कि सारी की सारी अंगूठियाँ श्री राम की हैं। अब इस बात को देख रहे थे वासुकी, वासुकी इस चीज़ को देखकर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हनुमान ये सब राम जी की योजना थी तुम्हें खुद से दूर करने के लिए, ताकि वह देवलोक वापस जा सकें। तुम्हारे साथ रहने पर ऐसा कभी नहीं होता, और ये सारी की सारी अंगूठियाँ तुम्हारे प्रभु श्री राम की है। वो यहाँ पर बताते हैं कि इस दुनिया में चार युग चलते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन युगों के चक्र में हर त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म होगा, और जब देवलोक का समय आता है तो इसी तरह से हर बार एक नई अंगूठी गिरती है, और इसके पीछे एक वानर ढूंढता हुआ आता है। दोस्तों वासुकी की बातें सुनकर हनुमान जी को सारी चीज़ समझ आ जाती है, और राम जी के जाने पर हनुमान जी रो पड़ते हैं, और कहा जाता है इस घटना के बाद हनुमान जी अयोध्या कभी नहीं गए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।